कैसे हैं? आज 27 अप्रैल 2019 का आज सैटरडे का दिन है, और जो अपडेट लेके आया था शेयर, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे लेके आया था। और इंडिया बुल्स में देखेंगे, एक अच्छा स्क्रिप्ट है ये। लो अपना 575 का ये बनाया था, और हाई बनाया है 1397 चौक 200 का। अभी थोड़ा सा प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है फाइनेंस सेक्टर में, रियल इस्टेट में, सब जगह पे। तो इस कारण से इसमें फाइनेंस आपको हो सकता है कि यहाँ से आपको प्रेशर ये देखते हुए कंटिन्यू मिले। जिस तरह से बाइंग सेंटीमेंट दिखा रहा है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो वो 1000 के टारगेट से आप इसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको 660 650 का रेट भी दिखाएगा, तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि वो जब नीचे की ओर जाए तो आप बाइंग पोजिशन में बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर हैं, 730 का स्टॉप लॉस लगा लें तो वो बाइंग पोजीशन में अगर रहना है तो वो रह सकते हैं। 730 से नीचे जाता है तो थोड़ा सा वो ज़्यादा तोड़ने का हो सकता है कि वो तोड़ेगा ही, और 650 की ओर आपको जाते हुए दिखे तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इसमें नहीं होगा। लेकिन ये अब अपने समझिए 45 RSI पे है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो अब स्ट्रेच हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा टूटने का गुंजाइश इसमें नहीं है। और बहुत से बहुत लोग आ भी जाएगा तो 575 जो इसका लो है, इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब 600 के आसपास जा सकता है, इससे नीचे इसको जाना नहीं है। तो नीचे का जो स्कोप है आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। यहां से भी देखें तो 100 पॉइंट का है, एग्जिस्टिंग 738 से देखें तो 650 638 आए तो 100 से 150 पॉइंट का है। बट ऊपर की ओर देखें तो आप 1000 1200 तक जा सकता है, ऑलरेडी ये 1397 गया हुआ है, ऊपर में आपको 600 पॉइंट का है। तो आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट से इसमें बाइंग पोजीशन के रूप में देखना चाहिए। ये अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे आपको नजर आ सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया बुल सेक्टर क्या है? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया एंड इज रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इसका 52 वीक जो हाई है वो 1397, लो है 575, और करंट प्राइस इसका 738 चल रहा है। डिविडेंड 5.5 डिविडेंड अच्छा देता है ये। सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा है, 26% बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 90% अच्छा है, 14,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। प्राइस टू कैश फ्लो मतलब प्राइस क्रंच है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है। और रिटर्न टू इक्विटी देखें बहुत ही अच्छा, 30% है, बहुत अच्छा है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअस, ये एक कंसर्न है। 12% इसका शेयर प्लीज रखा हुआ, गिरवी रखा हुआ, ये एक कंसर्न है। अच्छा ये जो है वो है ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और कहीं ना कहीं इसका जो FI में इसमें पोजिशन बाय बना रहे हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो FI पोजिशन बना रहे हैं। आपको मैं अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज दिखाऊं आपको, तो आप शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखिए, यहाँ पे देखिए मार्च 19 में अगर यहाँ से गिरा है कि 21 दिसंबर से ये 0.01 का रिड्यूस किया है, तो कहीं ना FI ने 0.52 का बाइंग किया है। तो FI बाइंग कर रहे हैं FI, और ये रिड्यूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अदर DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर प्लेयर है वो भी बाइंग कर रहे हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशन भी बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे गिरवी जो शेयर है 12.72, ये एक कंसर्न है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे मार्च 18 में 23.63 प्रमोटर होल्डिंग थी, अब जो प्रमोटर होल्डिंग मार्च 19 में है वो 21.66 है, लगभग 1-2% की गिरावट है। और जहाँ प्लीज 12.48 था वहाँ पे 12.72 प्लीज किया हुआ है, तो इससे क्लियरली दिखता है। और यहाँ पे देखिएगा FI ने जहाँ 53.59 था वहाँ 56, 3% FI ने यहाँ पे एक्विजिशन साल भर में बढ़ा ली है, और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 2% से कम किया है, इंश्योरेंस सेक्टर ने बढ़ाया है, अदर DI ने बढ़ाया है, NI ने भी बढ़ाया है। तो और अगर एक बार इसको रिकमेंडेशन भी देख लें तो आप देखेंगे 26 अप्रैल को रिसेंटली ही जो एडलिविस कैपिटल ने इसको 1104 का टारगेट दिया है, और 1 अप्रैल को रुद्र शेयर एंड स्टॉक ने 980 का टारगेट दिया है, और आनंद राठी ने 6 जुलाई 2018 को 1580 का टारगेट दिया है। इन तीनों का एवरेज निकाल दो तो 1000 रुपये के आसपास आता है। तो
तो कहीं ना कहीं ये 1000 रुपये का रिकमेंडेशन और जो करंट में मेड लिविस दे रहा है, रिसर्च के बाद देते हैं ये, तो हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म से। अगर रिटर्न की बात करें तो वन डे आप देखेंगे पॉजिटिव है, वन मंथ पॉजिटिव है, लेकिन कंटिन्यूअस अभी वन वीक, थ्री मंथ्स, वाई टी डी, वन ईयर, टू ईयर्स का जो इतना गिर चुका है ये, तो 1300 से 500 पे आ चुका है, मोर देन 50% से 60% से गिरा हुआ है। इसके लिए अब ये लुक्रेटिव होते जा रहा है और अब जो इसमें बाइंग पोजीशन आएगी वो अच्छा आएगा, नीचे जैसे जैसे ही गिरेगा, लेकिन अभी प्रेशर शॉर्ट टर्म में बना रहेगा। अगर इसमें डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे 25 तारीख को 1,36,00,000 का डिलीवरी हुआ, उसमें से ट्रेडिंग हुआ, और उसमें से 12,35,000 का ट्रेडिंग हुआ, सॉरी डिलीवरी हुआ, ट्रेडिंग हुआ 1,36,10,602 का 25 अप्रैल को, और डिलीवरी हुआ 12,35,238 जो कि 9.08% है। अब इसमें क्या देखने को मिला, जो प्राइस इससे जब इसकी यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई, तो जब इसकी प्रीवियस प्राइस 749-750 थी तो वहाँ से 735 आया, इसमें प्राइस में डाउन की ओर गया। तो कहीं ना कहीं ये डिलीवरी बेस आपको लगता है सेलिंग दिख रही है, मीन्स बाइंग जो हो रही है वो नीचे की ओर सेल की ओर हो रही है, वो ऐसा दिखने को दिखता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया बुल्स की, तो आप देखेंगे वो 3 ईयर्स में 5.93, 1 ईयर में 43% नेगेटिव है, YTD में 13% है, और 8.96 वन मंथ में है, और 7.76 वीकली है। अभी इंडिया बुल्स थोड़ा सा प्रीवियस डे को थोड़ा 0.70 से गेन करते हुए दिखा है आपको यहाँ पे, अब देखिए 0.70 से 738 5 पॉइंट का गेन करते हुए आपको क्लोजिंग आवर्स में दिखा है। अगर मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो 738 से 737 से थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में 1 रुपया की बढ़त दिखाते हुए पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिविटी इसमें दिखाया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब एक बार इसको चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें, चार्ट पे क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको डेली बेसिस या 15 मिनट की चार्ट पे देखूंगा तो RSI 41% है, डेली पे देखो चाहे मंथली पे देखो तो यहाँ पे भी 42 है, और अगर मैं वीकली पे भी देख लूँ एक बार इसको, यहाँ पे 44 है, और अगर यहाँ पे मैं वीकली देखने की कोशिश करूँ तो आप देखिए एक पैटर्न यहाँ पे, आप देखिए ये कंटिन्यूस एक फॉल हो रहा है और 3 फॉल कंटिन्यू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार इसको 716 के आसपास सपोर्ट लेगा तो ले सकता है, और अगर 716 के आसपास सपोर्ट नहीं लेता है तो आपका ये वापस आपको 650 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, और या चाहें तो लोग कोई भी इसको नीचे जब 716 की ओर जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको 650-700 के ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। जब ये नीचे की ओर 700 पे जाए तो आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। आप ये वॉल्यूम के साथ तीनों कैंडल देखिए, मोर देन एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा टूट रहा है और प्राइस एक्शन में फॉल देखने को मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम भी टूट रहा है और उसके साथ प्राइस, और तीन कैंडल कंटिन्यू बन चुका है। हो सकता है कि यहाँ पे आके वो सपोर्ट भी ले ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 716 के आसपास हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, आपको सपोर्ट लिखता हुआ देखिए यहाँ पे 700 यहाँ पे आपको 716 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आपको देखिए 709-710 आ रहा था, यहाँ सपोर्ट भी ले सकता है, और अगर इसको ब्रीच करता है तो वापस ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ नीचे की ओर 700-600 फर्स्ट और फिर 600 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। अगर इसको वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो, अगर इसको मैं डेली बेसिस पे देखूं, इसको आवरली बेसिस पे देखने की कोशिश करूं, तो आप देखिए पहले डेली पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इनडिसिसिव कैंडल एक टाइप का, यहाँ पे एक हैमर नीचे की ओर बनाया हॉल का, उसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे करके एक इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है। आप यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट 3 डेज से एक इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है, कि करना क्या है, ये इनडिसिसिव पैटर्न बन रहा है बार बार यहाँ पे लास्ट 3 डेज से। इसका मतलब है ये आइदर ये यहाँ से ऊपर जाने को सोच रहा है, और या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वापस 850 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, या फिर वो नीचे की ओर जाएगा जहाँ पे 650 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो कहीं से आपको दोनों तरफ से यहाँ से 100 पॉइंट मिलेगा, तो जिस और पोजीशन बनाएगा आपको 100 पॉइंट के गुंजाइश से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 1000 का टारगेट है वो आपको दिखता हुआ मिल सकता है। अभी जो
स्पेशली यहाँ से समझ में आ रहा है, हो सकता है मैक्सिमम जो चांसेस है कि वो कमिंग वीक्स में वो नीचे की ओर एक बार पैटर्न बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम और इसके साथ जो ज़्यादा बेसिस दिख रहा है वो यहाँ पे नीचे का पोजीशन दिखता हुआ, ज़्यादा टूटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन जो है डाउनवर्ड साइड ज़्यादा बन रहा है, वॉल्यूम के साथ भी देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा डाउनवर्ड है। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे मूविंग एवरेज की बात करूँ तो आप एक चीज़ और देखिए, ये जो 20 दिन का जो इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज है, ये जो पैटर्न बना रहा है डाउन की ओर बना रहा है ऐसे। और आप देखेंगे इसको बड़े में दिखाऊंगा आपको, तो ये डाउन की ओर पैटर्न बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है नीचे की ओर, और कहीं ना कहीं ये 767-738 पे है, तो ये नीचे आपको तोड़ते हुए ये नीचे की ओर जा सकता है। तो अगर आपको ये 767 क्रॉस करते हुए दिखे, तो 768 अगर ये क्रॉस करते हुए दिखे तो हो सकता है ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, जो कि 782 और फिर 845 होगा। तो 790 फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ से अगर ऊपर की ओर गया, तो नीचे की ओर गया तो हो सकता है 650 और 600 की ओर जा, 700 650 और 600 तक जाता दिखेगा। लेकिन एक बार शॉर्ट टर्म थोड़ा एक महीने की पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक दिन के लिए भी 650 जाएगा तो ज़रूर जाएगा, जाना है इसको नीचे जा करके फिर वापस ये ऊपर की ओर लेगा। यहाँ मंथली पोजीशन पे देखें, अगर इसको मैं मंथली पोजीशन पे जा करके देखता हूँ, इसका अगर मंथली व्यू लेता हूँ तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे 650 जो आता है इसका, ये मंथली व्यू पे यहाँ पे हो सकता है एक बार यहाँ जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रहा अच्छा खासा ऊपर गया था, बट यहाँ पे ये जो पूरा भरा हुआ सेड है तो वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नीचे की ओर एक बार हो सकता है मंथली बेसिस पे 650 की ओर जाता हुआ आपको दिखे, और यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इसको 650 के आसपास यहाँ पे भी पहले भी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला हुआ है, और यहाँ पे से आप दो बार बॉटम हो जाएगा, फर्स्ट बॉटम यहाँ बनाए फिर यहाँ पे, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर ले लेगा, तो आपको यहाँ से 1200 की ओर 1100 की ओर जाते हुए दिखेगा, आराम से दिख सकता है। तो हो सकता है नीचे एक बार आपको पहले शॉर्ट टर्म में नीचे की ओर जाता हुआ दिखे, तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है। अगर डेरिवेटिव में भी बात करें, डेरिवेटिव अगर 736 पे क्लोजिंग है 26 अप्रैल का, 30 मई की एक्सपायरी है, ये पुट साइड है ये कॉल साइड है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 730 एट द मनी पे 720 पे देखिए, तो यहाँ पे से पोजीशन अनवाइंड हो रहा है और नीचे की ओर पोजीशन बन रहा है। मीन्स यहाँ जो सपोर्ट था एक अब यहाँ पे, अब उन्हें लग रहा है कि जैसे नीचे की ओर सपोर्ट नीचे जा रहा है। कहीं ना कहीं 700 पे एक अच्छा सपोर्ट है 271,000 का है, और 53,000 का यहाँ पे भी पोजीशन बना है, तो कहीं ना कहीं 700 पे अच्छा सपोर्ट है, और 700 का सपोर्ट अगर टूटता है तो ये नीचे की ओर चला जाए तो कोई बहुत अच्छा। उसके बाद 680 पे है 1,92,000 का, और फिर 650 पे है 1,15,000 का, तो कहीं ना कहीं 650 की ओर जाता हुआ यहाँ से भी आपको दिख रहा है। और अगर इसके ऊपर भी देखें तो यहाँ पे टोटल पोजीशन देखें तो 6 और अगर मैं यहाँ से 800 से देखूँ नीचे की ओर, तो 6 और यहाँ से नीचे की ओर 11,00,000 का आपको टोटल ऊपर की ओर अगर देखें तो 11,00,000 से पोजीशन शॉर्ट की ओर बनाई जा रही है। नीचे की ओर अगर देखें तो सपोर्ट पे 1, 2, 3, 4 है, तो सपोर्ट जो है बहुत 5,00,000 से आपको सपोर्ट मिल रहा है। मान नीचे की ओर जाने की संभावना इसमें ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू ऊपर की ओर। ऊपर अगर ऊपर जाना है तो इसको 11,00,000 यहाँ लगभग 800 पे ही देखे तो 6,00,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, तो ये इसको तो 800 तोड़ना नहीं है अभी कम से कम, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि इस महीने ये तोड़ेगा ये 800, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इसको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 8,00,000 का है। इनफैक्ट 750 पे भी देखे 237,000 का, 90,000 का तो उसी दिन बना है, प्रीवियस डे को बना है, 26 को ही बना है। तो ये कहीं ना कहीं जो शॉर्टिंग पोजीशन बन रही है वो कहीं ना कहीं इसको दिख रहा है ये एक बार 700 पे सपोर्ट लेता है अच्छा है, नहीं लेता है तो वापस 650 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 1 ईयर के लिए कोई इसको रहना, 1 से 12 से 18 महीने के लिए 1.5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 1200 का टारगेट इसमें हो सकता है। पहले आपको ऊपर की ओर जाएगा 850, 900, 1200, ऐसे करते हुए 1200 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए, और ऑलरेडी यहाँ रिकमेंडेशन भी है, आपको रिकमेंडेशन भी दिखा दिया था 1104 का, 980 का, 1500 का, तो यहाँ ऑलरेडी 1000 का तो ऑलरेडी रिकमेंडेशन है 1100-1200 का। तो आपको इस रिकमेंडेशन में लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर किसी को लेना है तो आप वहाँ पे उसको ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर किसी को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, इसमें हो सकते हैं आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 700-650 या की ओर जाते हुए आपको इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग दिख सकता है। मेरा आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अगर कोई भी बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करेंगे, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, व्यू है और कुछ भी नहीं है। और एक बार अगर हम इसको 700 के पुट पे अगर जाकर के इसके डिटेल को देखें, अगर इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 700 का पुट अगर देखें तो 28.15 रुपये है, और 700 के पुट पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लो इसका बनता है 26 रुपये का, हाई 33 रुपये का बनता है, ओपन 27 पे होता है, 28 रुपये की क्लोजिंग देती है कहीं ना कहीं, और 158,000 से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है और 67,500 से सेल होता है। तो थोड़ा मोड़ा जो भी इसमें बाइंग आपको देखने को मिला उस दिन सब में बाइंग आई थी 26 को, तो थोड़ा मोड़ा इसके लिए यहाँ पे भी बाइंग आई। अदरवाइज इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि 700 के पुट पे जो पोजीशन देखने को समझ में आ रहा है, 24% का ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, लॉट साइज इसका 500 है, तो अगर ये आपको 20-22 रुपये मिलता तो एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है मई की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको अच्छा रिटर्न भी देके जा सकता है। तो 20 रुपये पे भी अगर 22 रुपये पे लेते हैं 500 का लॉट है तो 10,000 का पेपर ट्रेड होता है, और यहाँ से अच्छा गेन आपको दिखा सकता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप 20-22 में करते हैं तो 50% में 10 रुपये का लगा लें ताकि आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो 50% इसका मतलब जहाँ पे भी आप लें उसका 50% का स्टॉप लॉस लगा लें, अगर वो उस और क्रॉस कर जाता है तो आप उससे एग्जिट कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि एक बार ये इसको 650 की ओर जाते हुए होना चाहिए, 700 तो पहले तो 700 पे इसको स्ट्रिक्ट है, वहाँ से अगर नीचे की ओर जाता हो 650 की ओर जाता हुआ देखिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया बुल्स लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में आपको होना चाहिए और रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।